न्यूज क्लिक में दर्शकों को हम बता दें कि आज हम खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं सिने कलाकार रोहिणी जी से। रोहिणी जी को 1996 में नेशनल अवार्ड मिला था, एक फिल्म थी स्त्री, उसमें स्पेशल मेंशन था स्त्री के लिए। तब से लेकर अभी तक रोहिणी जी ने तमाम अलग अलग भाषाओं में काम किया है, खास तौर से तेलुगु में उनकी 6-7 फिल्में हर साल आती हैं, तमिल फिल्मों में उनका काम का लंबा अनुभव रहा है। इसके साथ साथ वे तमाम और सवालों पर बतौर कलाकार बहुत मुखर हैं। हमारी उनसे मुलाकात यहाँ मदुरई में हुई। आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत स्वागत है रोहिणी जी। खास तौर से आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस समय चुनाव हो रहा है तमिलनाडु में, उस समय आप बतौर कलाकार, आपने तमाम अलग अलग फिल्मों में काम किया, अभी भी काम कर रही हैं, और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो कलाकार हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं कमल हसन अपनी पार्टी के साथ मौजूद हैं, तमाम और लोगों का इतिहास रहा है, आप किस भूमिका में खुद को देखती हैं? मेरी जिम्मेदारी एक कलाकार की जिम्मेदारी है। कलाकार की जिम्मेदारी ये सोसाइटी का, सबको हम देख रहे हैं तो हम उनके लिए बात करना चाहिए, हमारा वॉइस रेज करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। इट्स नॉट जस्ट दैट लाइक यू नो आई एक्ट इन मूवी एंड आई जस्ट गो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड एज आर्टिस्ट वी गो टू मेनी प्लेसेस एंड वी सी पीपल सफरिंग एंड वी सी व्हाट इज नेसेसरी फॉर देम, क्या चाहते हैं वो क्या चाहिए उनके लिए, सब हम देख रहे हैं। Right from, you know, writers, they need to be progressive and they need to take the society forward. And we are part of that unity as artists. So that is why I started raising my voice long back, not as any party member or not as any society member, but as a part of civil society. And when we have access to information, and we have access to many things, what is happening wrong, which is happening towards environment and towards humanity. And when we have access, we have to create some kind of an awareness. So that is how I started voicing my concerns. तकरीबन कब से आपने ये सामाजिक भूमिका शुरू की और कैसा रिस्पांस रहा? आपकी जो फेटर्निटी है उसका कैसा रिस्पांस है? क्या वो भी साथ आते हैं? We started talking like this. I started voicing my concern about many years ago, like 30 years say hum ye sab kar rahe hain, like, you know, mental illness ke liye, why we have to start treating them and why we have to be kind to the nature, all these things. So from then on, you know, people know me as that person. Koi bhi kuch bhi hai to hum main kya keh rahi hu वो देखते हैं, मैं क्यों ये कह रहे हूँ पे उनको मालूम है। इट्स नॉट एज इफ लाइक यू नो आई एम टेकिंग साइड ऑफ एनीबडी, सो वी इट इज लाइक द पीपल्स वॉइस। सो या अभी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सबसे आपको जिस चीज से परेशानी है वो क्या है? तो ये भूमिका, लाइक यू नो आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग फॉर पीपल, आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू पीपल लाइक यू नो व्हाट इज गुड फॉर पीपल। तो देर आर मेनी इश्यूज स्टार्टेड कमिंग अप ऑफ लेट, लाइक यू नो फ्रॉम 5-6 इयर्स आफ्टर बीजेपी केम इनटू द पावर, मेनी थिंग्स केम, लाइक यू नो फर्स्ट दे स्टार्टेड विथ यू नो डिवाइसिव पॉलिसीज, लाइक यू नो डिवाइसिव पॉलिटिक्स प्ले करने शुरू किया कि यू नो बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड दे स्टार्टेड बीफ बैन किया। तो हम पूछ रहे थे कि यहाँ आप बीफ बैन कर रहे हैं, केरला में कर सकते हैं आप? दैट इज अ स्टेपल फूड देयर, नोबडी कैन से एनीथिंग, लाइक यू नो सुबह आप उठ गया कहीं एक स्मॉल प्लेस को गए तो भी वहां you know, you get beef fry and paratha you get. That is their staple food. So you start talk attacking people by what you should eat, what you should wear, how you should get married. You know, it started from there. And then they started influencing people from, so they have taken education in hand.
So, and in environmental issues, basically, Tamil Nadu is a very mineral rich place, Tamil Nadu, Western Ghats, you know, Kerala and all. So they started attacking these places. They wanted to, you know, bring 8-way to Salem, and they wanted to bring Sagarmala. Through Sagarmala, kya kar rahe hain wo logo? Ye sab hum dekh ke humko, you know, I can't just keep quiet. This is what they're doing to us, and you can't let this happen. And education policy happened in 2019. Through education policy, what are they trying to bring here? And they want to implement certain things. They do not want the you know, underprivileged people to get educated. They do not want the more you know, medical colleges are there in Tamil Nadu, but they do not want people from Tamil Nadu to be educated and be in a place where they can, you know, get better. So I know you can't just let that happen. So started taking a very, very active role from maybe 2 years because of EIA, environmental issues, everything. So started talking about it, and suddenly all these elections are coming. Election. So hum ye humko samajh liya ki ab power mein hona chahiye ki, you know, you have to show your dissent. You have to show what you can do with a little bit of power. If you can show what you can do for people, with a little bit of, you know, resistance, we have to show that, you know, we are not going to be bogged down by all these policies. Abhi jaise Tamil Nadu mein chunav hai, yahan par bhajpa ke paas kam seate hain jo un pe wo lad rahi hai, lekin jo dikhai de raha hai ki yahan par Madurai mein hi pradhanmantri do do din de rahe hain. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आके कैंपेन कर रहे हैं, तो भाजपा कितना बड़ा खतरा तमिलनाडु के लिए है, आपको क्या लगता है? क्या उनकी क्योंकि कुछ तो सोच के ही इतने बड़े नेता यहाँ आ रहे होंगे, उनकी कुछ रणनीति होगी, आप उसे कैसे देखती हैं? एक कुछ खतरा नहीं है, वो यहाँ आके वो हमारा काम ईजी कर दिया कैसे वो मोदी जी आएंगे तो कल रात आए थे, कल यहाँ फुल पावर कट हो गया, तो मैंने आज सुबह मैं जाके बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ हमको मालूम है वो आ गया तो करंट कट हो गया, मदर मीनाक्षी इनो देवी हमारे साथ रहेगी, वो मोड़ी के साथ रहेगी, हमको मालूम है. तो यू नो दे कैन नॉट फूल पीपल जस्ट कमिंग बाय जस्ट कमिंग हियर एंड जस्ट टॉकिंग लाइक दैट. योगी आदित्यनाथ की आने का क्या जरूरत है? मैं आऊँ उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम पे, मैं आऊँ वहां उनके ऑपोजिट चुनाव प्रोपगंडा करने के लिए? व्हाट नॉनसेंस, व्हाई वुड दे कम हियर? सो यू नो पीपल डू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कमिंग हियर, व्हाई दे वांट टू मेक देयर प्रेजेंस नो हियर. आई रियली यू नो आई एम रियली वरीड दैट लाइक यू नो एंड पार्टी यू नो स्टेट पार्टी लाइक एडीएमके इज गोइंग अलोंग विद देम. लेकिन एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उनकी एक योजना है, जैसे अभी हम बहुत नौजवानों से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें चेंज चाहिए, बहुत सालों से यहाँ खाली दो पार्टियों के बीच तमिलनाडु चल रहा है और वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं. क्या ये हकीकत है या एक सेक्शन में यह विचार डाला गया है, आपको क्या लगता है? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो मेरा सवाल आपके साथ है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स या द्रविड़ आइडेंटिटी अभी कितनी मजबूत आपको लगती है? सी एनी स्टेट फॉर दैट मैटर दे विल हैव टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स. इफ यू टेक आंध्र प्रदेश ऑल्सो देर आर पीपल हु केम फ्रॉम दैट स्टेट, सो द लोकल पीपल कैन ओनली टॉक अबाउट देयर इश्यूज एंड दे हैव इमर्ज्ड दैट वे. Dravidian politics emerged because they knew about their politics, they knew about their people, and they talked about their issues. And even now, I don't see a BJP coming and talking for Tamil people. So you just are trying to say this one thing like, you know,
we are feeling suffocated. Who is feeling suffocated? There are so many things which have been progressive. If you just take the states, UP or Bihar or whatever, you just see, compare. There is so much of progress in southern states. Where did it come from? It came from the people who worked for the states. Of course, there are complaints against them. I'm not talking that there are no complaints. They are totally free of any kind of corruption and all that. But they did work for their people. They did take the states better than the other states comparatively. People come here to work. No, I see many northeastern people come here to work. Bihar se aaye the, yahan se kitne log ke jaane ke liye hum unko madad kiya. Ye lockdown samay pe yahan se jaane ke liye sab logon ko humne yahan se jaane ke liye Assam ko bhej diya. West Bengal karmik the and Bihar karmik the, Jharkhand karmik the. उनको सबको यहाँ से हम भेजने के लिए ट्रेन्स ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना हमने ये किया. आपको पूछती हूँ वहां से तमिलनाडु के लोगों कितने लोगों वहां से यहाँ आया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव क्रिएटेड यू नो प्लेस फॉर अवर पीपल नॉट टू गो आउट ऑफ अवर स्टेट. एंड यू आर If you give that kind of progressive thing only, they are trying to come and take over now. एक चीज, आप सिने कलाकार हैं, आप फिल्मों में एक्टिंग करती हैं, बहुत प्रतिष्ठित जगह आपको है. क्या ये जो आपका भूमिका है, जो एक्टिविज्म है, जो आप बाकी मुद्दों से जुड़ी हैं, इससे आपके प्रोफेशन पे कुछ असर पड़ता है या लोग फिल्मों को देने में उसको देखने में क्या दृश्य है? क्योंकि बॉलीवुड बहुत, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बॉलीवुड में लोग बहुत ज्यादा इस समय डरे हुए रहते हैं. कुछ ही लोग हैं जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग, और जो बोलते हैं बस वही बोलते हैं. उनके पक्ष में भी लोग ज्यादा नहीं उतरते. जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो एक खामोश रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रोफेशनल बिजनेस, उनका जो काम है वो प्रभावित होगा. यहाँ क्या दृश्य है? यहाँ भी ऐसा ही है. जो बोल रहे हैं, very few people are talking, like me, Prakash Raj. There are very few people voice their concern. वो ही बोलते रहेंगे, क्योंकि मैं सबके लिए मैं बात नहीं कर सकती हूँ. मेरे लिए मैं बात कर सकती हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मैं सोचती हूँ कि ऐसा अन्याय हो रहा है, हम चुप रहे वो एक अन्याय है. कुछ हो रहा है हमारे in front of us, हमारे सामने कुछ हो रहा है, हम चुप रहे, दैट इज रियली बैड. आई कांट कीप क्वाइट लाइक दैट. इफ समथिंग इज नॉट ऑफरिंग मी अ रोल फॉर दैट, इट्स ओके. और एक आखिरी चीज, अभी तमिलनाडु की राजनीति क्या आपको लगता है, क्या चेंज लाएगी, नहीं लाएगी, क्या होगा इन इलेक्शंस में? इन इलेक्शंस में आपकी इच्छा और आपका ऑब्जर्वेशन दोनों. ऑफकोर्स, अब मेरा इच्छा है कि ऑल 20 seats of BJP, they should lose. They should not even get, deposit also they should not get. And they should know, they should understand that, you know, Tamil Nadu people are progressive. They have shown in Lok Sabha parliament elections mein hi unko dikha diya ki hum log very progressive and very, you know, thinking people. And wohi humko lagta hai, hamare ichha bhi wohi hai ki वो दिखा देंगे कि हम, वी आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड अगेन एंड अगेन एंड कंट्रोल्ड बाय सेंटर. एंड यू नो लाइक यू नो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक यू नो इवन फार्मिंग लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड देयर एंड एडीएमके गेव सपोर्ट देन एंड नाउ दे आर कमिंग एंड सेइंग दैट नो व्हेन वी यू नो विन द इलेक्शंस वी विल नॉट लेट दैट हैपन. नीट ऑल्सो दे सेइंग यू नो दिस इज टू साइडेडनेस, टू फेसेटेड. लोग जानते हैं कह रहे हैं कि अब अन्नाद्रमो के खिलाफ इतना गुस्सा नहीं है, पहले था, बट उन्होंने काफी अपना पैचअप कर लिया. ऐसा है क्या? नो, हमको ऐसा नहीं लगता है कि गुस्सा, मे बी दे आर नॉट एबल टू शो दैट थिंग, बट दे आर वेरी वेरी अनहैप्पी विथ द वे एडीएमके हैज बीन यू नो नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर
And there is so much of confusion in that party. Who's going to come, who's mm-hmm. not going to come. And there is so much of fractionizing. And they are working against each other. Mm-hmm. So this whole thing came with the strength of Jayalalitha ma'am. That now that is not there. Mm-hmm. एक आखिरी सवाल, दो नए जो राजनीतिक आउटफुट्स हैं यहाँ पर, एक कमल हसन की पार्टी है और एक जो तमिल पार्टी आई है, वो कैसे आप देखती हैं, उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। तो सबको एक स्वतंत्र भारत में एक ये है कि एनीबडी कैन ट्राई एंड सी, मगर वो क्या कह रहे हैं हम देखना चाहिए, लेकिन वी हैव टू सी व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। स्पेशली कमल हासन जी के यू नो वॉट एवर आइडियाज, इट इज जस्ट द अदर वे ऑफ वन ADMK और BJP थिंग, लाइक यू नो ही इज नेवर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुला लॉस, नेवर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट नीट और एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल दैट। सो एवरीबडी इज फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। So it will definitely be like, you know, people will think that, okay, this is a new party and maybe we have to think about it. But when you listen to them, you understand that like, you know, it is only reflecting what BJP is saying, ADMK is saying. Left ki kya sthiti rahegi in chunao mein? Kya wo kuch mudde aage la pa rahe hain? Wo alliance mein hain Dramuk ke saath, DMK ke saath? DMK saath alliance 6 seats they have given. And all the 6 seats, I think they will capture, because they will win the seats, because they always know that when there is a left candidate, they work for them. Even when they are not in power, they work for people. That's what I see. थैंक यू न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए कि आपसे हिंदी में बात हुई और सीधे सीधे और बहुत अच्छी, और आपने बहुत अच्छी ढंग से हिंदी में बात रखी, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है, और तमिलनाडु में आके ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। और मुझे अपने मन बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने के। जी शुक्रिया, थैंक यू।